देख रहे हैं टेक्निकल एचेज, और आज मैं आपको सामने अनबॉक्स करने लगा हूँ ये एक Xiaomi का स्पीकर, जो कि मैंने ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से, जो कि है xiaomi.com.pk, उससे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और आज मुझे लैपटॉप कुरियर सर्विस के थ्रू उन्होंने भिजवाई है मेरे घर पे। तो अभी ये इसका इस तरह का बॉक्स है, आप देख सकते हैं फ्रंट पे MI का लोगो है, राइट साइड पे ये कुछ सीरियल नंबर्स वगैरह हैं और लेफ्ट साइड पे आपको कुछ चाइनीज में काफी चीजें लिखी हुई मिल जाती हैं। अगर आप बात करें इसकी बैक साइड की तो सिंपल प्लेन बॉक्स की तरह है ये, उसकी जरा पैकेजिंग है इस तरह की बॉक्स की। और जब आप इसको ओपन करने का तरीका ये, आपने इसको पुल करना है यहाँ से और इस तरह से आपने इसको यहाँ से लिफ्ट कर देना है। जैसे ही आप लिफ्ट करेंगे दोस्तों, तो नीचे आप देख सकते हैं ये MI की ये यूजर मैनुअल गाइड है, बट होपफुली मुझे यही उम्मीद है कि ये भी एक चाइनीज गाइड होगी, ये आप देख सकते हैं चाइनीज गाइड है, तो ये कोई काम की नहीं है, बट ये सिंपल टू यूज है, जस्ट सो सिंपल है, तो कोई इतनी जरूरत नहीं है आपको वैसे गाइड की। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्पीकर इटसेल्फ, तो ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसमें ना आगे की तरफ सुराख हुए हुए हैं, ताकि आपकी जो स्पीकर की जो आवाज होगी वो क्लियर और क्रिस्पी हो और आप तक आराम से आ सके। और पीछे वाली साइड पे आप देख सकते हैं MI का यहाँ पे एक लोगो है और उसके साइडों पे ये कुछ चाइनीज में भी लिखा हुआ है और कुछ नंबरिंग भी लिखी हुई है। और ये इसका पावर ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन है, MI का लोगो है, ये ब्लूटूथ का निशान बना हुआ है, साथ में 5 वॉट 300 mAh इसमें बैटरी लगी हुई है 300 mAh की, आई गेस जो आपको 4 से 5 घंटे तो एटलीस्ट दे ही देगी। और ब्लूटूथ स्पीकर है बेसिकली, आप अपने किसी भी फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक आईफोन हो, चाहे वो एक एंड्रॉइड फोन हो, और चाहे वो टैबलेट लैपटॉप कुछ भी हो सकता है जो ब्लूटूथ सपोर्ट करता हो। और रही बात जहां तक इसकी साउंड की, तो मैंने इसको अपने पर्सनल यूज में अभी तक तो नहीं आजमाया, बट आगे मैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसके बारे में एक रिव्यू लाऊंगा अपने चैनल पे कि इसकी साउंड वगैरह किस तरह किया। तो अभी के लिए फिलहाल इसमें और कुछ भी नहीं आता, आप देख सकते हैं बॉक्स में कुछ भी नहीं है। वैसे ये एक अच्छी बात नहीं है कि इन्होंने एक इसके लिए एटलीस्ट 2.0 एक केबल देते इसके अंदर, एंड्रॉइड की बेसिक केबल जो होती है आपके आम फोन के साथ आती है वही इसमें पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर ये वो एक इंक्लूड कर देते बॉक्स में तो मजीद अच्छा हो जाता कस्टमर्स के लिए। बट स्टिल जो भी वो आप दे रहे हैं, और 2000 PKR की प्राइस में आई गेस जो स्पीकर है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है एल्यूमिनियम से बना हुआ है काफी अच्छा है और काफी सॉलिड बिल्ड है और काफी हाथ में पकड़ा हुआ एक्सपेंसिव लगता है, हालांकि इतना है नहीं अगर देखा जाए, बट प्राइस के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है वो तो अप टू द मार्क है। और डिजाइन वाइज भी मैं कहूंगा काफी सही है, और बनावट में भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में काफी छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा स्पीकर है, तो आई गेस काफी अच्छी चीज है जिस प्राइस हिसाब से है ये। और बाकी उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह आती रहें। और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।